इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ये गांव हैल है जहाँ से हमारे माता का कल्चर भी अब यहाँ से प्रस्थान करेगा, जिसे मंडोलू कोट के नाम से जाना जाता है। ये है गांव हैल जिसका दृश्य आप देख सकते हैं। ये है हमारे नील सरनाग देवता के पुजारी, वो विधिवत पूजा के साथ यहाँ अपने नाग देवता को, जिसके लिए धाम डालने के लिए आज माता के साजिंदे ढोली जिन्हें माना जाता है, बजंदरी कहते हैं हम इसको अपनी देसी भाषा में, यहाँ पर वो उसका कल्चर पूरा करते हुए। और ये इतना प्यारा कल्चर है हमारे यहाँ का, जिस जो देखते ही बनता है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा बड़े आराम से, पूरी कहानी जो इसके पीछे है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन वो हम आराम से बताएंगे। अभी हमारे पास इतना टाइम है नहीं, वो उसको हम बीच में आपको कहीं जा करके बताएंगे। लेकिन ये जो दृश्य देखिए आप, जो विधिवत जो यहाँ का कल्चर है, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर जो हमारे यहाँ पहाड़ों में होती है, माता के प्रति जो श्रद्धा, रीति रिवाज पुराने बने हुए, उनको हम कभी छोड़ना नहीं चाहते। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये छोड़ने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी अनमोल धरोहर हैं, हमारे आपसी प्रेम भाईचारे आपसी सौहार्द के प्रतीक हैं। इन्हें अगर हम छोड़ देंगे तो लाइफ में हमने क्या पाया? प्रेम प्यार आजकल बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अब जो है हम इनको कभी छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ना भी नहीं चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमारी यही संदेश, हम यही गुजारिश, यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे भी ये जारी रहे। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे हमारे ये पुरातन कल्चर, हमारे पुरानी संस्कृतियाँ जो हैं वो ये कभी गायब ना हो, इनको संजोए रखने के लिए अभी भी प्रयास किए जाते हैं। ये देखिए जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं, विधिवत पूजा अर्चना के बाद अब हम प्रस्थान करते हैं अपने नील सरनाग मंदिर टेपा में, जहाँ पर आपको आगे का दृश्य और आगे का कार्यक्रम दिखाएंगे, और क्या कहानी है इसके पीछे ये भी हम आपको बताएंगे। अनोखे हमारे यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में बताएंगे जो माता चामुंडा से बिल्कुल संबंधित है, और उसी के पीछे झांकी देखिए जो अभी आप देख रहे हैं हमारे पीछे। बिल्कुल हम आपको थोड़ा सा नजदीक लेके चलेंगे। तो इसको बोलते हैं मंडोलू कोट, जो यात्रा के एक दिन पहले और जन्माष्टमी के एक दिन बाद होता है। इसको धाम के रूप में मनाया जाता है। पूरी पंचायत में घूमने के बाद लास्ट में अंत में गुहार पहुंचते हैं, वहां पर ये कार्यक्रम करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं नाग मंदिर के। हमारे नील सरनाग देवता जो कि माँ चामुंडा वाली के भाई के नाम से जाने जाते हैं, और ये देख सकते हैं आप हमारे टेपा हैल की धार, जहाँ पर की माँ चामुंडा बैरे वाली का प्योका है। तो टेपा धार जो है हमें माता जो है हमें अपने जात्र के ठीक एक दिन पहले हमें धाम पाने के लिए आते हैं यहाँ पर, और अपने भाई नील सरनाग को धाम पाने के लिए आते हैं। जय नील सरनाग देव। तो आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपने नील सरनाग देव मंदिर टेपा में, जहां पर ये अभी हैल से जो नील सरनाग देव की झांकी माता के साजिंदों के साथ यहां पहुंची है, और इसका यहां पर क्या विधिवत तरीके से पूजन होता है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस माता की अनोखी परम्परा और इस सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है उसके साथ जुड़े हुए हर तथ्य जो है यहाँ पर हम आपको दिखाने की और बताने की पूरी कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हम लिए चलेंगे आपको मंदिर के गर्भगृह के अंदर। हमारे नील सरनाग देव का गर्भगृह है, यहाँ विधिवत तरीके से अंदर पूजन किया जा रहा है पुजारी के द्वारा। क्या
ये रिवाज है, क्या रीति रिवाज हमारा जो भी है, जितना हमें खुद पता है वो बताएंगे और जितना हमारे इन बुजुर्गों से भी पूछेंगे, इनको ज़्यादा मालूम है, इनसे पूछ के हमें भी जितना पता है वो हम बताएंगे, जो हमें पता नहीं है वो ये बताएंगे हमें कि ये क्यों मनाया जाता है, मुंडुलकोट क्यों होता है, किस लिए मनाया जाता है और कब होता है, कैसे होता है, ये सब आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ये नीलसर नागदेव का गर्भगृह है जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अभी विधिवत तरीके से पूजन किया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा करके हमने हर पहलू पर नज़र डाली है। हम आपको दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो अब एक और अनोखी चीज़ जो हमारे यहाँ पर, ये जो इनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, बहुत शिल्पकारों ने जो एक अपने अद्भुत ढंग से यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई हैं वो भी हम आपको बिल्कुल करीब से दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, चलिए दिखाते हैं। तो ये देखिए किस तरह के शिल्पकार हुआ करते थे, लेकिन ये कृपा थी नीलसर नागदेव की, माँ चामुंडा की और ऊपर वाले की कृपा होती है। उस टाइम इतने हमारे पास औजार नहीं हुआ करते थे, हमारे जो भी शिल्पकार रहे होंगे इन चीज़ों के, उनके पास इतने अच्छे औजार नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है और आज भी हम इनको अपनी धरोहर और अपने मानते हैं और उसको पूजन करते हैं। ये देखिए किस तरह से अच्छे ढंग से बनाया गया था। ये हमारे नीलसर नागदेव का बहुत बड़ा वृक्ष है, ये हर जगह होता है, ये हमारे पहाड़ों की खासियत है। यहाँ हमारे बहुत सारे मंदिर हैं, ये हमारे नीलसर नागदेव का मंदिर है। और दूसरा आपको मेड़वार के धार के बारे में तो पता होगा, वो तो बहुत खूब जानते हैं, हर कोई जानता है कि वहाँ भी है। और इससे अब हमारे कालो नागदेव का मंदिर चंडू में भी है, एक नाग मंदिर कालो नागदेव के नाम से जाना जाता है। दूसरा मैं नाग के नाम से जो हमारे बाहला की रेड़ी पर भी मौजूद है, वहाँ भी है। तो ये है हमारे बाहला साइड का दृश्य।
सभी भक्तजनों को जय माता दी, नमस्कार और जय नीलसर नागदेव। अभी हम मौजूद हैं गांव टेपा में, नाग मंदिर जो हमारा नीलसर नाग का मंदिर है वहां पर मौजूद हैं। आज एक विशेष जो रीति रिवाज है, मैंने आपको पहले बताया, अभी फिर बता रहे हैं, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं माता के साजिंदे हैं और हमारे नीलसर नागदेव के रखवाले पुजारी हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह का ये कल्चर है, किस तरह की ये संस्कृति है हमारी, किस तरह के रीति रिवाज हमारे हैं, उनको भी हम आपके साथ सामने यहाँ पर बताएंगे। तो जितनी हमें जानकारी है, हमने इन अपने बड़े बुजुर्गों से जो सुना था, सुना है, उसको हम कभी कभी बताते भी रहते हैं। एक भजन के माध्यम से हमने एक माता का जो वर्णन किया था शॉर्ट शॉर्ट में, तो हमने बताया था, वो इन सब अपने दादा परदादा वो हमें बताते थे कि क्या कल्चर कैसे हुआ था, कैसे माता का, माता से संबंधित जो भी जानकारी है हमने शॉर्ट में आपको बताई थी। आज हम फिर से दोबारा उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और जिन बुजुर्गों से हमने सुना था आज उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। और जिन चीज़ों का पता हमें नहीं है आज तक, और जिन चीज़ों का पता है वो तो बताया, जिनका नहीं पता है वो हम इनसे पूछेंगे, और जो जानकारी इनको होगी इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये माता के साजिंदे हैं, ढोली हैं, जिनका वर्णन हमने किया हुआ है माता के भजन में, आप सुन सकते हैं, तो उसकी डिटेल में जानकारी आज हम आपको देंगे। और ये जो आज का कार्यक्रम है, जो सिस्टम है, जो रिवाज है, वो क्यों होता है, किस लिए होता है, ये जानने का प्रयास करेंगे हम। हम थोड़ा सा, क्योंकि चुराई बोली में बोलना पड़ेगा, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आप चाहें तो हम इसका वर्णन बाद में दोबारा से कर सकेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे क्या रीति रिवाज है, कैसे होता है। चढ़ा के ना फिर माता बोते कि आ मेरा भाई ता एत्या कम का ना पहली पूजा मेंडे बोनी चाहिए थी इदी। हाँ जी, ता करी एत्या सड़े बजंदरी के जी, ने वो क्या था ना धाम का मेंडे की भाई धाम का ना की भाई तू के मेंडे जात रही है कोबियो की ना बला मारा या जी कई चाड़ते आए। हाँ जी।